मैं पेश करवाने जा रहा हूँ। अरे ये वो धनुष है, इसको उठाना कौन सा कठिन कार्य है। कठिन कार्य तो तब पता चलेगा जब इसको कोई उठाएगा। सुना है इस धनुष को कोई प्राकृतिक योद्धा भी नहीं उठा पाया है। तो कायर हो गए, मैं भी हूँ, मैं इस धनुष को फूल की भांति उठा लूंगा। ये दूध पीते वाले इसी धनुष को उठाएंगे। आप समझ गुरुजन और देख देश से आए राजा राजकुमार, मेरे निमंत्रण का मान रखते हुए आप सब मिथिला पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। महाराज अब सीता को बुलाया जाए। अवश्य गुरुदेव। नहीं नहीं, उन्होंने भगवान इंद्र को वचन दिया है, वो अपना
आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। सौभाग्यवती बहु। प्रणाम मुनिवर। राम लक्ष्मण। हम महिंदर पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी हमें भगवान शिव के धनुष के टूटने की ध्वनि सुनाई दी। हमारे अराधे शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया? बता जनक बता, वरना जहां तक तेरा राज्य है, तेरे इस राज्य को मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने का साहस आपका कोई दास ही कर सकता है। ऐसी ऐसी धनुषियां तो हमने बचपन में कई तोड़ी है, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे, ये मामूली धनुष नहीं, ये भगवान शिव का धनुष है। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में अंतर समझ आता होगा। क्षत्रिय है, हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। लगता है तेरे को अपने जीवन से मोह नहीं। मुझे मेरे जीवन से मोह है ये नहीं, परंतु आपको इस धनुष से बड़ा मोह लग रहा है, इसीलिए बच्चों की तरह गुस्से से तिल मिला रहे हो। विश्वामित्र, इसको मेरी आंखों से ओझल कर दो, वरना इसकी मैं मृत्यु कर दूंगा। ब्राह्मण देवता, आप अपनी आंखें ही बंद कर ले तो मैं आपको दिखाई ना दूंगा। आप तो स्वयं शस्त्र गुरु, इस बालक की बातों पर क्रोधित मत होइए, इसमें तो इसकी कोई भूल नहीं। इस धनुष को तो मैंने बंद किया। राम, ये भगवान विष्णु के धनुष पर अगर तुम अपना तीर चढ़ा दो तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। नगाड़े बजने लगे, ऊपर से स्वर्ग से गंधर्व और देवता भूत बरसाने लगे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी की नजर लग गई कोयल पे, जिस राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था वो अस्त होता नजर आने लगा। वो खुशियां एक रंग में बदल गई, एक अजीब सी ढेर सी देवताओं के मुख से फूलों की जगह आंसू टपक रहे। क्या हुआ? वो सूर्य कैसे अस्त होने लगा? आप भूषणों से सजाइए और मांग लीजिए जो मांगना है। परसों पहले तो युद्ध के मैदान में आपने हमें दो वरदान दिए थे, अब तो उससे मिलने में भी संकोच है मुझे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। निसंकोच कहिए महारानी, अयोध्या नरेश आपको वचन देता है, मांगिए जो मांगना है। तो महाराज सुनिए, राम के बदले भरत को अयोध्या का राज तिलक, क्या? और राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वनवास। राम और भरत मेरी दो आंखें हैं, अगर आप कहें तो मैं अभी दूध बेच के भरत को बुलाकर अयोध्या की राजगद्दी उसे सौंप देता हूँ। और राम का वनवास? और मेरा दूसरा वरदान? नहीं कह कहीं, वचन की मर्यादा से बंधित हूँ, मना नहीं कर सकता। परंतु मेरे राम को इतनी बुरी सजा मत दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, अगर सवेरा होते ही राम तपस्वी वेश में 14 वर्ष के वनवास के लिए नहीं चले जाते, मैं इसी राजभवन में मौत का आह्वान करूंगी। क्या कह दिया तुमने? वचन देकर ना करने का उपहास आपको मिलेगा महाराज। नहीं नहीं नहीं, राम
सूर्यवंश की देवता भी मिसाल लेते थे, आज उस सूर्यास्त हो गया, स्वर्ग में अंधेरा, कैलाश में महादेव की गति। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ सकता है लेकिन अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता। तो ठीक है, श्री राम की अनुपस्थिति में रहके उनके पादुका राज्य का संचालन करेगी और मैं उनके वनवास पूरे होने तक तपस्वी वेश के नगर के बाहर रहके अपना जीवन बिताऊंगा। और 14 वर्ष बीतने के बाद श्री राम नहीं आए तो मैं जीवन का अंत कर दूंगा। हमने देखा दो भाइयों का आपस में प्रेम और त्याग कि कैसे माँ को माता बन गई। प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए राज्य त्याग अपने भाई के लिए, अपने पिता के वचन के लिए। ये थी उनकी। ओ सियापति रामचंद्र की।